CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ बीड जिले में मौजूद पर्लीकूट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। लगातार कई तारीखों पर अदालत में गैर हाजिर रहने की वजह से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। दरअसल साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में पर्ली में मौजूद राज्य परिवहन महामंडल की बसों पर पत्थरबाजी की थी। इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू है। इस मुकदमे की वजह से आज भी राज ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीड के अंबाजोगाई में मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एसटी बस में तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से राज ठाकरे अदालत की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए थे। हालांकि राज्य में सूखे का हालात का जायजा लेने के लिए वे अंबाजोगाई गए थे। उस दौरान उन्होंने अदालत में हाजिर होकर 300 रुपए का दंड भी भरा था। तब अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। रेलवे में परप्रांतीय युवाओं की भर्ती मामले पर राज ठाकरे को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज्य में कई जगह विरोध किया था। अंबाजोगाई में एसटी बस को भी निशाना बनाया गया था। इस मामले में राज ठाकरे समेत कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में राज ठाकरे की जमानत मिलने के बाद वे अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। इसी वजह से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।